बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, इंडिया स्टेट्स मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, स्पेलिंग करेक्शन का जो सिलसिला हमने शुरू किया है 100 MCQs का, आज उसमें पार्ट 2 अपलोड करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले पहला पार्ट अपलोड कर चुका हूँ जिसमें 25 MCQs थे, और आज मज़ीद 25 MCQs अपलोड करते हैं, और इसके बाद 2 वीडियोस इस टॉपिक पर और बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। कोशिश करता हूँ कि आज ही उसको अपलोड कर लूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26-25 तक वीडियो नंबर 1 में अपलोड कर चुके हैं, और आज क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, दिस फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग कैंपेन। कैंपेन ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, और कैंपेन का मतलब है मुहिम चलाना, जिस तरह हम कहते हैं इलेक्शन कैंपेन, इंतखाबी मुहिम। और क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 करेक्ट स्पेलिंग कैनिबेल। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, कैनिबेल या कैनिबाल भी कह सकते हैं, आई थिंक कैनिबाल। तो इसका मतलब है कि अ पर्सन हु ईट्स द फ्लेश ऑफ अदर ह्यूमन बींग, वो इंसान जो दूसरे इंसानों का गोश्त खाता है। ये लफ्ज़ इंतहाई अहम है। तो इसका मतलब, इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अ पर्सन हु ईट द फ्लेश ऑफ अदर ह्यूमन बींग इज कॉल्ड कैनिबॉल। उर्दू में इसको आदम खोर हम कहते हैं, आदम खोर। क्वेश्चन नंबर 28 देखें। 28 नंबर, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, ये तो इजी है, कैसेट, जिस तरह हम टेप रिकॉर्ड की कैसेट कहते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग कैटरपिलर। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। कैटरपिलर कहते हैं किसको है? सुंडी को कहते हैं, रिंगने वाला कीड़ा, जिस जो अक्सर सब्जी के पौधों को लगता है। और क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट स्पेलिंग कैवालेरी, और ये ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। और इसके मानी है सोल्जर्स हु पार्ट ऑन हार्स बैक, उर्दू में कह सकते हैं गोल्ड सवार पाउच। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 को देखें दोस्तों। करेक्ट स्पेलिंग सेंटीग्रेड, जिस तरह हम कहते हैं कि टेम्परेचर कितना है, इतना दर्जे सेंटीग्रेड है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 32 देखें। 32 नंबर, आइडियलिज्म, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 33 देखे। 33 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग इग्नोरेंस, नावाकिफियत को भी कहते हैं, जिस तरह इग्नोरेंस जाहिल को भी कहते हैं, इग्नोरेंस। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 देखें। इन्फ्लुएंजा वो वाई जुकाम को कहते हैं, जो वो जुकाम जो एक से दूसरे को लगता है। करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्पेलिंग इसमें ऑप्शन ए है। 35 नंबर देखें दोस्तों। ये हमारे पास एग्नोमिनियस, ऑप्शन सी करेक्ट स्पेलिंग है, और इसके मानी है शर्मनाक,
मकरूह, रुस्वाई भी इसको हम कह सकते हैं। 36 नंबर देखें, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, इनसेसेंटली, इनसेसेंटली, ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें, और इसके मानी है मोतवातिर, कंटिन्यूअस, मुसलसल। क्वेश्चन नंबर 37 देखे, इंसिपिएंट, इंसिपिएंट ऑप्शन बी, इब्तिदाई जिसको कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 38 देखे दोस्तों, इनकन्वीनियंस, जिस तरह रोड, जहां रोड मरम्मत होती है ना, वहां पर बोर्ड लिखा होता है सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, तकलीफ के लिए माजरत ख्वाह है। ऑप्शन ए करेक्ट स्पेलिंग है, इनकन्वीनियंस, तकलीफ। और क्वेश्चन नंबर 39 देखें, इनइक्विटस, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, और इसकी मानी है ना इंसाफी, अनफेयर, मॉरली रॉन्ग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 को देखें, ज्यूरिसडिक्शन, अक्सर सुना होगा कि बाद लोग कहते हैं यार ये मेरे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, मेरा दायरा कार, दफ्तरों में या अदालतों में, अदालत के दायरा कार में जो कुछ आ सकते हैं तो उसको कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 41 देखे, करेक्ट स्पेलिंग, जीव पैराडाइज, जीव पैराडाइज, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन इसके मानी है खतरे में डालना या खतरे से दो चार करना। 42 नंबर क्वेश्चन को देखे दोस्तों, 42, पांडे करेक्ट स्पेलिंग, ऑप्शन सी करेक्ट स्पेलिंग है, एंड इट मीन एक्सप्रेशन और कमांड। क्वेश्चन नंबर 43 देखे, पॉइंट करेक्ट स्पेलिंग, कैटल फुल, कैटल कैथली को कहते हैं दोस्तों, कैथली बड़ा मकदार हम कह सकते हैं इसको, ऑप्शन बी नहीं, कैटल, ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें, करेक्ट स्पेलिंग इज ऑप्शन ए। 44 देखे, नेविशली, बदमाश, बदयानत को कहते हैं, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 45, लेगोन, लेगोन ऑप्शन सी, साहिली झील। और क्वेश्चन नंबर 46 देखे दोस्तों, लग्जूरियस, पुरतायुष कहते हैं, पुरासायश, जहां पर बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हो, इसका मतलब कि वो फैसिलिटीज जो जरूरत से ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड लग्जूरियस, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 47 देखे, करेक्ट स्पेलिंग, लोशियस, लोशियस के मानी है खाना बहुत खुश जायका हो तो लोशियस कहते हैं, स्वीट टेस्ट, खुश जायका, खुशगवार, तो सी करेक्ट है। और 48 देखे दोस्तों, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को तो आप जानते ही हैं, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट स्पेलिंग है। और क्वेश्चन 49 देखे, मैलिएबल, मैलिएबल ऑप्शन सी, वो चीज जो आसानी से मोल्ड सके, मोल्डने वाला, आसानी से मोल्डने वाला, उसको काबिल अमल भी हम कह सकते हैं।
और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, मिस्टीरियस पुरिसरार, मिस्टीरियस ऑप्शन डी करेक्ट स्पेलिंग है। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो, पसंद आने की जरूरत नहीं, प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।